हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ में है ममता मैम, डॉक्टर ममता मैम। और आज मैं और ममता मैम बेसिकली आपके साथ में बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट की एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि सर लास्ट के 2 मंथ बचे हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, ये आखिरी के 2 महीने हैं, इनको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। तो ममता मैम आज ऑफिस आई हुई थी, और ममता मैम के बारे में मैं बताऊं कि ममता मैम जीआरएफ टॉपर है, देश की टॉप यूनिवर्सिटी से मैम ने पीएचडी किया है, मैम का पीएचडी भी फाइनल सबमिट हो चुका है, वो सारे रिसर्च पेपर मैम के हैं, और अभी करंटली मैम एज एआरओ पोस्टेड है, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। तो आज मैम से हम पूछेंगे कि मैम ने आखिरी के 2 महीने में किस तरह से तैयारी की थी, और मैं भी मेरे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कि लास्ट के 2 मंथ में आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो एक बार मैम आप भी बच्चों को थोड़ा सा नमस्कार बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मतलब हम लोग आपकी एक थोड़ा सा मतलब कि जो लास्ट टाइम है ना, उस टाइम पे सबके मन में एक झिझक सी रहती है कि कोई थोड़ा सा हमें ये बता दे कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो वही चीज है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए लेके आया है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, हमें लगता है कि रियल में ही होगा ये। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये सेशन लेने से पहले मैंने और मैम ने भी डिस्कशन किया है कि मैम जब हम थे तब हमने क्या प्लान बनाया था, और आज का जो एग्जाम पैटर्न है उसके लिए क्या एक रियलिस्टिक प्लान हो सकता है। साथ में आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने लिख लिए हैं कि क्या क्या आपकी क्वेरी थी जिसका आंसर हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें लास्ट में कवर करना है, कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वो किस तरह से हमें बनानी है। दूसरा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब बोलते हैं कि सोल्व कैसे करें, लेकिन उनको करना कैसे है वो आपको बताने वाले हैं। जो टॉपिक अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं उनके साथ हमें क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। एक है कि पेपर वन एंड पेपर टू में ज्यादा वेटेज किसको देना है, कितना किसको टाइम दें। एक है कि रिवीजन कैसे करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 महीने तक टिके कैसे रहें, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो मैम पहला जो सवाल है वो है कि स्टूडेंट लास्ट के 2 महीने बचे हैं और सिलेबस बहुत बड़ा है, और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है मैम इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि इससे बनते हैं प्रोफेसर। तो अभी सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका कवर नहीं हो पाया है, तो क्या हमें अब पूरा सिलेबस कवर करने के लिए बैठना चाहिए? पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अभी तक जिसने कवर नहीं किया है, जिसने अच्छे से नहीं किया है, क्या उसको पूरा सिलेबस दोबारा से मतलब बैठ के लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए या बुक्स उनको कवर करनी चाहिए? तो आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि अभी 2 महीने रहे हैं लास्ट के, है ना, तो उसमें पूरा फुल सिलेबस को कवर कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी तक मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और मतलब उनके मन में ये तो जो पढ़ने से एक बार हम लोग मतलब पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीजें बार बार पूछी जा रही है, क्योंकि हमेशा एक पैटर्न रहता है। मतलब स्टूडेंट्स, हमें टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती इसमें, हम जो सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक हमें हाईलाइट कर लेने चाहिए पहले कि ये टॉपिक है, इससे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बात आती है कि मतलब और सभी टॉपिक्स का मेनली रिविजन हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन बात आती है कि जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए रहता है कि वो 3 टॉपिक है, जो डाटा डीआई का एक टॉपिक हो गया, फिर मैथमेटिक्स रीजनिंग वाला जो है उनको वो कम्प्लीटली छोड़ के चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि उनको अपने को छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि हर एक यूनिट का अपना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न देखो, डीआई का पैटर्न जो नया आ रहा है, अभी पता है कि हर साल चेंजेस होते रहते हैं, तो पीछे की जो भी पैटर्न आ रहा है उनको आप हर एक जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करो, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उनको सोल्व करो, मतलब छोड़ने से बेटर है ये करना। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस कर लिए हैं, पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपके डीआई के और मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन जितना आप सोच रहे थे कि उनको छोड़ के चले जाते हैं, उससे ज्यादा आप उस पर बेटर कर पाओगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन शॉर्ट कि आप क्या करो कि बैठो और आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का सिलेबस सामने रखो, दोनों की बुक सामने रखो,
और साथ में पीवाईक्यूज रखो और दोनों के यूनिट वाइज आप इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहला हमें जो काम करना है कि इन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना है, इसमें से कुछ भी आपको छोड़ के नहीं जाना है इन इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से। उसके बाद में जैसा कि मैम ने भी बताया कि पीवाईक्यूज है ये बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूजीसी नेट के पेपर, ठीक है। ये आप जब देखते होंगे पीवाईक्यूज तो आपको लगता भी होगा कि काश हम पीवाईक्यू कर लेते हैं जब पेपर देके आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी किया है कि मैम पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व करें। तो देखो पीवाईक्यूज के लिए मैम आपको अच्छे से बताएंगे कि मैम पीवाईक्यूज जब हम सोल्व करते हैं, देखो सब बोलते हैं कि पीवाईक्यूज करो, तो कितने साल के हमें पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि 2018 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से ही हमें क्वेश्चन करने चाहिए, इसी के हिसाब से करने चाहिए। और मतलब ये नहीं है पीवाईक्यू में हम क्या करते हैं, जनरली जो मेरे स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर देखेंगे, हाँ। जो थ्री ऑप्शन जो है ही, हाँ। ना उनको वो अवॉइड कर देते हैं, ये ही तो सबसे बड़ी गलती है। पीवाईक्यूज को करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो तीन चारों ऑप्शन है उनको हर एक ऑप्शन को देखो कि ये ऑप्शन है तो ये क्यों दिया गया यहाँ पे, और ये है तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चारों ऑप्शंस को आप पढ़ो, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, क्वेश्चन का आंसर भी देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग जो आपके थ्री ऑप्शंस जो रह जाते हैं आप उनपे भी उनको भी स्टडी करो कि हाँ ये चीज है, ये लाइन आई है, तो ये बारे में हम लोगों को कम्प्लीटली स्टडी करके जाना है। अब देखो इसके दो रीजन है, पहला तो देखो आप अगर चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपका थ्योरी भी क्लियर हो रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ में आपकी थ्योरी भी क्लियर हो रही है। दूसरा ये है कि एनटी का पैटर्न है, आप चाहे पीछे के पांच छह सालों के पेपर आप देखोगे कि एक साल कोई ऑप्शन पूछा है तो दूसरे साल उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखा देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं मैम कि जैसे एसडीजी और एमडीजी हर साल पक्का क्वेश्चन एक आएगा, है ना, तो क्यों ना हम एसडीजी और एमडीजी के दो क्वेश्चन हमारे पक्के करके जाए। जैसे मैं एनवायरमेंट में पढ़ाता हूं मैम, तो एनवायरमेंट का मैं बताता हूं कि वाटर प्यूरिफिकेशन से पिछले तीन चार साल से क्वेश्चन पक्का है, तो करके जाओ उसको। पीवाईक्यू ये तो बोल रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे को सोल्व करके जाओ तो वो उन्होंने पैटर्न बता दिया ना, पिछले कम्प्लीट वो आ रहा है तीन चार साल से, तो आपके माइंड में वो बन जाना चाहिए कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि पढ़ो मुझे, हाँ। तो वही चीज है, कोई भी ऑप्शन को नहीं छोड़ना, मतलब पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। शिव सर ने जो बोला कि उसमें से आप लोगों को खुद ही सेल्फ वो अपने आप वो हाईलाइट कर देगा कि ये चीज आपको पढ़नी है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना। दूसरी चीज मैम, एक चीज होता है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर बहुत पैनिक कर रहे हैं कि अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जो टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए हमें क्या करना है, क्या उनको छोड़ के जाएं या उनको कवर करें, और कवर करें तो किस तरह से कवर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उनके लिए। देखो छोड़ के तो मैंने पहले भी बोला कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा क्या है मतलब अगर आप प्रिपरेशन तीन चार महीने से कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के है कि एक तैयारी तो बेस बन चुका है और नेट इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमारा मोटो है जीआरएफ, ठीक है, तो जीआरएफ हमारा मोटो है, तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, तो छोड़ना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें एक मतलब इम्पोर्टेंट जो उस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट है हमें लगे कि ये चीज बार बार रिपीटेडली पूछी जा रही है, ठीक है, उस पर फोकस करो। अगर आप पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकते तो उन टॉपिक्स को देखो कि हाँ इस टॉपिक में से ये जो हेडिंग्स है ये इम्पोर्टेंट है, हमें इनको फोकस करना चाहिए, तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक चीज मैं ये समझता हूँ मैम, ये एमसीक्यू एग्जाम है, बिल्कुल, और कई बार क्या होता है कि हम चीजों को सरसरी नजर से भी देख के जाते हैं, ऊपर से भी देख के जाते हैं, और नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, तुरंत टिक मार देते हैं। एक स्थिति वो है कि आपने देखा ही नहीं। उसमें क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को तो गलत करोगे, कंफ्यूजन हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ, उसके आगे पीछे के भी क्वेश्चन उसकी वजह से हैम्पर होते हैं। तो मैं जैसा कि मैम ने बताया, मैं भी आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा, जैसे मैं भी करता हूँ कि हम भी एग्जाम देते हैं मैम, तो हम क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस किसी से नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, प्रैक्टिकल है ये एकदम, किसी से भी नहीं होगा, चाहे कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट हो, चाहे आरएसएस एस्पायरेंट हो, चाहे कोई नेट एस्पायरेंट हो, किसी से भी नहीं होने वाला। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप उस टॉपिक को हल्के से ऊपर से जरूर देख के रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सिंपल सा सवाल आ जाता है, वो आपका गलत नहीं है। देखो टफ क्वेश्चन किसी से भी नहीं होगा, चाहे कितना भी तैयारी करके जाओ, क्योंकि नेट की कट ऑफ मैम कुछ सब्जेक्ट की 70% जाती है, बाकी नॉर्मल आप देखोगे तो 55 से 65 के बीच में, मतलब 100% तो हमें लाना ही नहीं है। पहली बात तो ये, हमको लाने हैं 70% टारगेट मान लो, है ना, या 65 कुछ सब्जेक्ट के होते हैं, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी जाएगी नहीं।
है ना, कुछ सब्जेक्ट की 1-2% ऊपर जाती है। तो हमें क्या करना है कि एक एक टॉपिक को आपको देख के तो जरूर जाना है। और देखो पेपर टू है वो आप ग्रेजुएशन से पीजी आपने की है, कुछ लोग पीएचडी भी करके बैठे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी नहीं है, तो आप एक बार देख के जाओगे तो आपको चीजें एग्जाम हॉल में याद आ जाएंगी। तो टॉपिक को कुछ नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक को एक बार तो नजर के नीचे से निकाल के लेके ही जाना है। और जो मैंने बताया कि इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है उसको अच्छे से मकअप करके जाना है, उसमें से आपका एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो सिंपल चीजें हमारी गलत नहीं होनी चाहिए और टफ चीजें हैं उनको भी हमें छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। एक मैम एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आता है और ये बहुत जनरल क्वेश्चन भी है कि लास्ट के 2 महीने बचे हैं तो कितने घंटे हम पढ़ाई करेंगे, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी एक बार तो मुझे ये बताओ। मेरा तो ये था कि शुरू से जो बच्चे कंटिन्यूसली 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ। उनको तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि मुझे इस टॉपिक्स के लिए इतना रिवीजन का टाइम चाहिए, हाँ। और जो है कि मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ रहे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि 5-6 घंटे डेली, 5-6 घंटे तो डेली आपको चाहिए चाहिए इसके लिए। अगर आप 5-6 ओवर अभी भी नहीं दे रहे हो ना तो फिर आप मतलब धीरे धीरे जो आपका गोल है उससे दूर होते जा रहे हो, मेरा ये कहना है। क्योंकि 2 महीने लास्ट के ये आपका मतलब रैंक डिसाइड करेगा, बिल्कुल ठीक है। आपने पहले क्या पढ़ा है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कितना पढ़ा ये कभी मायने नहीं रखता, कितनी बार पढ़ा उसी टॉपिक को बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं मैंने ये भी बुक पढ़ ली, मैंने वो भी बुक पढ़ ली, वो कभी भी मतलब रोल प्ले नहीं करेगा। एक कहेगा मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी, मेरा ये राय, मैं मैटर हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट रखती हूँ, मेरे खुद के नोट्स में पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं उन्हीं का ही बार बार रिविजन करती हूँ। क्योंकि वो चीजें पता चल जाता है हमें कि बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, बिल्कुल। और लास्ट के 2 महीने में आपको वो शॉर्ट नोट्स काम आएंगे और रिविजन काम आएंगे, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोली है कि देखो लास्ट के दो महीने आपके बचे हैं तो 5-6 घंटे से कम तो आप सोच भी मत लो पढ़ने का। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन स्टूडेंट की तैयारी थोड़ी सी कम है, कॉन्फिडेंस कम है, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि 8-10 घंटे भी आपको देने पड़े तो दे दू, कम्फर्ट जोन से बाहर आओ, क्योंकि ये 2 महीने है ना ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। और मैं हम लास्ट में बताएंगे, ममता मैम भी बताएगी, मैं भी बताऊंगी कि कैसे आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। क्योंकि आप कुछ लोग आपको बोलेंगे कि नेट से क्या होता है, जेआरएफ से क्या होता है, अरे बहुत कुछ होता है। हम आपके सामने बैठे हैं, इसमें कहीं ना कहीं नेट और जेआरएफ का बहुत बड़ा हाथ है, वो हम आपको बताएंगे। अब देखो घंटे की बात करें तो वैसे तो इंडिविजुअल होता है, जैसा कि मैम ने बताया कि आपको पता लग होना चाहिए कि आपको कितने घंटे देने हैं। बट मैं आइडियली बोलूं कि जिनकी तैयारी अच्छी है वो 5-6 घंटे तो कम से कम देना पड़ेगा, और जिनकी तैयारी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो 8-10 घंटे आप डेली बेसिस पे दीजिए। अब दूसरा सवाल आता है कि मैम पेपर वन एंड पेपर टू दोनों को कैसे बैलेंस करें, पेपर वन को टाइम ज्यादा दें, पेपर टू को दें, इससे ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे। देखो एक बार ये सिंपल मतलब चीज है कि पेपर टू का वेटेज ज्यादा है ना, 200 मार्क्स कैरी कर रहा है, हाँ। और जो पेपर वन है वो 100 मार्क्स कैरी कर रहा है, हाँ। तो इससे सिंपली ये हो रहा है कि हमें पेपर टू को ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, हाँ। कि पेपर वन के मतलब कई बच्चे होता है जिनका नेट क्वालिफाई हुआ होता है, वो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो क्या रहते हैं पेपर वन की वजह से जेआरएफ में चुक रहे, हाँ। ये मैंने देखा है, बिल्कुल, है ना, मेरे फ्रेंड्स में सर्कल में भी मैंने काफी लोगों को देखा है कि यार नेट तो हो रहा है जेआरएफ नहीं हो रहा, बिल्कुल। तो जेआरएफ नहीं होने का मेन रीजन यही होता है कि उनका फर्स्ट पेपर वीक। मैंने तो यहाँ तक देखा मैम कि स्टूडेंट के पेपर टू में 200 में से 170 मार्क्स, बिल्कुल 165 मार्क्स, और पेपर वन में उनका स्कोर हो रहा है 40-41, यानी कि 20-21 क्वेश्चन वो ठीक कर पा रहे हैं। तो इस केस में देखो मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि पेपर टू है, देखो मार्क्स उसके बहुत ज्यादा है तो आपको पेपर टू का टाइम डेफिनेटली ज्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है। लेकिन जब पेपर वन की बात आती है तो मैम अक्सर जैसे हम बैठते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि देखो पेपर टू आपका नेट करवाएगा और पेपर वन है वो आपका जेआरएफ करवाएगा, बिल्कुल सही है। तो पेपर वन है वो आपको लोगों से लीड दिला, तो मैं जैसे मैं बताऊं कि मेरा जेआरएफ हुआ था तो उस टाइम पे मेरा स्कोर था मेरे 80+ स्कोर था, मेरे 82 स्कोर था मेरा, और मेरे सब्जेक्ट में भी ठीक थे, लेकिन पेपर वन मेरे को कॉन्फिडेंस दे दिया, जब मैं पेपर कर रहा था तो पेपर वन मेरा बहुत अच्छा हो गया, तो उस टाइम मेरे को फील आ गया था कि जेआरएफ हो जाएगा। तो पेपर वन है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, तो पेपर वन में आप अच्छा सा स्कोर करो, है ना, और
टाइम आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान कर आप अपना टाइम उसको डिवाइड कीजिए। ये इंडिविजुअल आप पे डिपेंड करेगा। हाँ, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपको जितनी पता है वो आपके पेरेंट्स को क्या के? मतलब कोई भी आपको कितना क्लोजली जान लो, वो कोई नहीं बता सकता। अब मेरा जो टाइमिंग है वो मैं ही बता सकती हूँ कि मुझे इस चीज को कितना टाइम देना है, ये कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। चाहे टीचर कहता है ना मैं इस बच्चे को आसानी से नहीं पहचान सकता, मैं ये खुद कहती हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे किस में मैं अच्छा कर लेती हूँ, वो सब अपने खुद को पता होता है। हाँ, तो उसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सब लोग बोलते हैं रिवीजन करो रिवीजन करो, पर कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए रिवीजन करने का? तो आप मैम थोड़ा सा बताएंगे कि आप किस तरह से रिवीजन करते हैं? मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं जब टॉपिक को पहली बार पढ़ती हूँ तो एक बार मैं कम्प्लीटली पढ़ लेती हूँ उसको, ठीक है। उसमें से मुझे ये नहीं है कि मुझे कितना समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैं लास्ट तक उस टॉपिक पे पूरा जाती हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, उस टाइम पे फिर जो सेकेंड टाइम पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे उस चीज को हाईलाइट कर लो कि ये चीज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आओ PYQs पे, PYQs करोगे तो पता चल जाएगा कि हमने जो किया, जिसको हाईलाइट किया, उसमें हमने क्या छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको हाईलाइट करो, और जब रिवीजन करने बैठोगे ना, पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कभी दोबारा से उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी चीजें अनपसंद दी हुई होती है, वो हमारे काम की नहीं होती है। अभी हमारा 2 महीने में नॉलेज गेन करने वाली चीज नहीं है, हमें लानी है रैंक, सिंपल सी बात है। हमें लानी है, हमें उसमें अपनी पोजिशन को देखना है कि हमें कहाँ स्टैंड करना है, वो चीज है। हमें एग्जाम क्लियर करना है अच्छी रैंक के साथ, बस फाइनली यही है। तो वही है जो चीजें आप लोगों के हाईलाइट कर रखी है आप लोगों ने, उसी को ही बार बार पढ़ो, ठीक है। PYQs में आपने देखा ये चीजें बार बार पूछी जा रही है, उनको आप पढ़ो। मैं यही कहूंगी कि पूरा टॉपिक कभी मत पढ़ना। रिवीजन का मतलब ये होता ही नहीं कि पूरा टॉपिक पूरा मैं मेरा बताता हूँ कि मैं कैसे रिवीजन करता हूँ चीजों को। जैसे मेरा हमेशा से ये कि मैं एक बार कॉपी खोली मैंने मेरे नोट्स, और उसको मैं एक बार ऐसे पन्ने पलटता हूँ, स्कैन करता हूँ पेरा, और उस स्कैन में मुझे पता लगता है कि क्या चीज है जो मेरे को नहीं आ रही है और क्या चीज है जो मेरे माइंड में ऑलरेडी है। तो जो नहीं है ना उसको आप अच्छे से देख के जाओ, जो है उसको पर क्यों आप दोबारा से यही रहते हैं। मतलब बच्चे शुरू से पढ़ेंगे ना तो उसमें बार बार वही चीजें पढ़ेंगे, तो वो चीजें याद है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है। अच्छा, और जो नहीं आ रही वो रह जाती है, दूसरी चीज रिविजन कभी कम्प्लीट ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप तो दोबारा से पूरी बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी आपने, तो रिविजन का ये मतलब नहीं होता, ठीक है। रिविजन इटसेल्फ की रिवाइज रिवाइज है ना। तो ये तो शॉर्ट नोट्स, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, शॉर्ट नोट्स अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो वेल एंड गुड, हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हो फिर भी थोड़े टॉपिक्स लिखना, ये थोड़ी सी हैबिट डालो, वो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो आपने सुना ही होगा कि पढ़ा हुआ इतना परसेंट याद रहता है, लिखा हुआ इतना परसेंट याद रहता है, वो चीजें रियल में वर्क करती है। ये चीजें पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है इन चीजों का, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा माइंड है ना, वो आपको बार बार रिवाइज करने की चीजें भी आपको कम हो जाएगी कि हाँ ठीक है हमने वो लिखा था, और आपको एग्जाम हॉल में बैठ के वो याद आएगा कि ये टाइम ये मैं उस टाइम पे ये चीज लिख रही थी, इसका आंसर ये होगा। एक चीज मैम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कुछ बच्चे अभी ये सोच भी रहे होंगे कि आप ये ज्ञान देना बंद करो, है ना, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये हम 2 महीने टिके कैसे रहे, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, और ये सही बात भी है मैम, है ना, क्योंकि ये ज्ञान तो आपको और लोग भी दे देंगे, लेकिन बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, है ना, इम्प्लीमेंटेशन का बेस्ट वे क्या होना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, और मोटिवेट वो चांद तारे वाला नहीं है कि 2 महीने तक निरंतर पढ़ाई कैसे करें, उसका क्या मोटिवेशन हो सकता है, आपका क्या मोटिवेशन रहा है? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ कि पहला तो ये था कि जब तैयारी कर रहे थे, उस टाइम कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी, तो जब तैयारी कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम सब में कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, साथ में एक सपना होता है हमारा, है ना, और उस सपने को हम जीते हैं उस टाइम। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे मेरा जब GRF हुआ था और जब पहला स्कॉलरशिप आया था, तो पहला स्कॉलरशिप जब आया था तो वो एक साथ आता है, करीबन 6-7 महीने का स्कॉलरशिप एक साथ आता है, तो जब एक साथ आ रहा था वो, तो एक साथ ही मैसेज आ रहे थे कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस, और ये मैसेज मेरे पास अभी मैंने सेव करके रखा है, आप देख सकते हो। तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है आप सबका, ठीक है, ये एक मोटिवेशन हो सकता है आप सबका,
एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलती है और साथ में आप पढ़ते भी रहते हैं, ये एक मोटिवेशन हो सकता है। एक दूसरा कि जैसे हम जीआरएफ या नेट क्वालिफाई करके ही हम ईपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तो मैं आप सबको बताऊं कि नेट की जो वैल्यू है वो काफी बढ़ गई है मैम, क्योंकि अभी जो आपका रिजल्ट आए वो थ्री स्टेप्स थ्री कैटेगरी में, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, तो आपको अलग से पीएचडी एंट्रेंस नहीं देना। तो साथ में पीएचडी भी एक मोटिवेशन जुड़ गया है अपने आप। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जैसे जो एपी वाला है उसको विजुअलाइज करो कि आप एपी बन चुके हो, रात को सो तब उसको विजुअलाइजेशन करके सो, रियल मोटिवेशन तो वही है। तो डिस्ट्रक्शन से भी दूर रहेंगे, साथ में आप मोटिवेट भी रहोगे, पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ, है ना। और ये जो मैंने मैसेज दिखाया इसको सेव कर लो, पहला मैसेज आएगा कि यूर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 42,000 और फिर वो आते जाएंगे और एक बार में ही अकाउंट 3,00,000 फाइव ईयर तक देखो एक विदाउट किसी जॉब की जॉब, है ना, आपके अकाउंट में मंथली 42,000 ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, है ना। मतलब मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरी प्रोबेशन पीरियड में जो सैलरी थी वो 40,000 थी। अब दो साल तक 40,000 के साथ में पर मंथ मैंने वो निकाला है ना, तो सोचो कि 40,000 से भी ज्यादा है वो अमाउंट, है ना। तो फिर आपको एक और मोटिवेशन की कहाँ जरूरत, कहाँ जरूरत है। मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है जो सिर सर ने कहा, रियल वाली एक्चुअल में बात यही है। कह ये नहीं है कि पैसे के लिए है या ऐसा नहीं है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से है ज्यादातर लोग, है ना। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैसा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है। एक पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल है वो हम एक छोटी सी एज में सिर्फ और सिर्फ ये कि जीआरएफ क्वालिफाई करके, उसमें भी नहीं कि हमें फुल डे वर्क करना पड़ रहा है या फिर बहुत खून पसीने की कमाई है, ऐसा भी नहीं होता। वो चीज हमारे एकेडमिक स्कोर को इम्प्रूव कर रही है, हमारे हमें क्वालिटी दे रही है, और वो उसके साथ में क्या होता है हमारी स्कॉलरशिप आती है तो उससे बेनिफिट हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल भी हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसा कि सीएसएल ने बताया कि जो अमाउंट क्रेडिटेड होता है ना अकाउंट में, तो वो तो रियल में मोटिवेशन देता है, क्योंकि हम सारे सब लोग क्या है लगभग लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, वो रियल में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए भी होता है ना। तो उसके अलावा मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि जो एक नाम के आगे आपके डॉक्टर है ना, ये आपको बहुत ज्यादा अंदर से जो आपको देगा ना कि मतलब एक अलग ही मोटिवेशन उससे मिलने वाला है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना मतलब हमारे आसपास में इतने लोग नहीं होते हैं इस तरीके के कुछ अलग करना उन लोगों से, और वहां पे उन लोगों के सामने वो एक रिस्पेक्ट जो हम लोगों को मिलती है वो एक अलग ही चीज होती है। तो ये सारी चीजें मतलब हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का है, बिल्कुल, है ना, और वो उम्र भर आप लोगों के काम आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इसी के साथ में हम आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक छोटी सी बात और ऐड कर दो कि एक तो हो गया जैसे मैम ने बताया कि अपना पर्सनल, एक होता है आपका आउटर मोटिवेशन, जो जैसे हमारे मम्मी पापा हैं उनका भी एक सपना होता है ना, हमारे परिवार है उससे भी हम जुड़े होते हैं, उस हमारा नाम उनसे भी जुड़ा होता है ना, तो एक ये भी हमारे लिए काफी बार फैक्टर काम करते हैं कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, तो ये भी आपका एक मोटिवेशन हो सकता है। और एक चीज हाँ जो मैं बहुत ज्यादा जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी वो मैं ऐड करना चाहूंगी कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि पीएचडी कहीं से भी कर ले क्या फर्क पड़ता है ना, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इंटरव्यू में सब लोग बोलते हैं कि ऐसा चलता है वैसा चलता है, मेरा एआरओ का इंटरव्यू था ये रियल लाइफ में, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मतलब तुम बाहर पढ़ी हो राजस्थान से, तुमने एक भी डिग्री नहीं की, तुम्हारा कैसे होगा क्या होगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ जो इंटरव्यूअर थे, है ना, मतलब जो हम लोग जो आए थे वहां पे इंटरव्यू लेने के, जो पैनल में लोग बैठे थे वहां पे जो कैंडिडेट थे वो जिस कॉलेज से मैंने पीएचडी किया आईआरआई से वहीं पे ही वो अपनी सर्विस कर रहे थे ना, तो वो वहां से इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो उन्होंने मतलब जस्ट जनरली बताया नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा चीज आया कि कुछ रिसर्च का पूछा, तो वो चीज मेरे मुंह से निकली कि सर मेरा ऐसे परसोइंग है पीएचडी और ये यूनिवर्सिटी है, तो सर उसी चीज से इम्प्रेस हो गए और रियल में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे इंटरव्यू में। तो मेरे गाइड को बाद में उन्होंने फोन भी किया, हालांकि उनको नहीं पता था, लेकिन उनका जनरली वो मेरे गाइड भी राजस्थान से ही थे, तो उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने पूछा कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो फिर मतलब नाम तो पता नहीं था, सर ने बोला कि एक लड़की जरूर उस यूनिवर्सिटी से आई थी ऐसे करके उन्होंने बोला, तो वो चीज एक अलग छाप छोड़ देती है हमारे।
तो ये चीज है कि हमें कहाँ काम आएगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखता है। लाइफ के किसी भी मोड़ पे आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अलग ही तरीके से आपको निखार के लेके आने वाली है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और आप अच्छे से एग्जाम कीजिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हमारी हमसे हमारी टीम से, तो आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको आने वाले एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।